जिंदगी की जंग जीत गए हम। जी हाँ, लगातार अब बस रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और कुछ ही मिनट लगेंगे जब हमारे मजदूर बाहर होंगे। और आपको जानकारी दें, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरंग के अंदर से सामने आ गई है पहली तस्वीर, वो भी आपको दिखाएंगे। सुरंग के अंदर प्राथमिकता उपचार की व्यवस्था पूरी कर ली गई है, सभी 41 मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये भी आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल में मजदूरों तक रेस्क्यू पाइप पहुंच चुका है, सभी को बाहर निकालने में अब 3 से 4 घंटे लगने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब बस कुछ ही जो घंटे हैं वो अब यहाँ पर लगने वाले हैं। और ऐसे में आपको बता दें, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कुछ तस्वीरें इस वक्त भाटपुणी फोर आपको दिखा रहा है, और 17 दिनों का ये जोर, अब हमारे मजदूर जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। व्यवस्था पूरी रेस्क्यू पर आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद है और पैनी नजर बनाए हुए। प्रधानमंत्री मोदी भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। टनल में फंसे 41 मजदूरों में 8 मजदूर यूपी के हैं, और इसी बाबत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी नजर बनाए हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में। और देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि सभी 41 मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित है। इनफैक्ट भाटपुणी फोर की टीम भी ग्राउंड पर मौजूद और पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन की व्यवस्था पूरी है और बस इंतजार जब हमारे मजदूर बाहर आ जाएंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या इंतजाम फिलहाल यहां पर किए गए हैं। और ये भी आपको हम बता रहे हैं कि कुछ जो तस्वीरें हैं, 400 घंटे रेस्क्यू का काम किया गया है। एनडीएमए की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, 10 मीटर की मैनुअल खुदाई 24 घंटे में हुई है। रैट माइनर्स यहाँ पर बुलाए गए और रैट माइनर्स की भी मेहनत रंग लाई है। और ये भी आपको बता दें फिलहाल कि ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए के सदस्य लगातार जानकारी दे रहे हैं कि खुदाई का काम पूरा होने के बाद टनल में पाइप तक रैंप बनाया जाएगा, और रैंप बनने से अगर दिक्कत आई तो सीढ़ी लगाई जाएगी, इससे मजदूरों को पाइप तक पहुंचाया जा सके। पाइप पर पहुंचने पर मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाया भी जाएगा। देखिए तस्वीरें सब जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इसलिए है क्योंकि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं ये उनके परिवार वालों की तस्वीर। रांची से तस्वीर सामने आई है, तो देखिए अब उनके चेहरे पर एक मुस्कान, एक राहत है कि जल्दी ही उनके परिवार के सदस्य बाहर आ जाएंगे, इसलिए मिठाई फिलहाल खिला रहे। देखिए तस्वीरें आपको दिखाई, परिवार वाले काफी चिंतित थे पिछले काफी दिनों से, लेकिन अब राहत की खबर उनके लिए कि कुछ ही घंटे यहां पर बचे हैं, शुभ समाचार बस आने ही वाला है। और ये तस्वीरें कई मायनों में खास हो जाती है, जहां पर आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू लगातार जारी है और अब यहां पर तैयारियां लगभग पूरी, और इंतजार 41 मजदूरों का जो कि फिलहाल फंसे हुए हैं। 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के, झारखंड के भी मजदूर, हिमाचल प्रदेश का एक मजदूर अंदर है। और फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें जो कि इस वक्त कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे भी पहुंचाए गए हैं, और इस वक्त भाटपुणी फोर ये तस्वीरें आपको दिखा भी रहा है। सभी 41 मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। मजदूरों का परिवार भी टनल के बाहर इस वक्त मौजूद है, किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं मजदूर। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आपको बड़ी खबर के तौर पर जानकारी भी इस वक्त भाटपुणी फोर दे रहा है। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टनल के अंदर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैनात, और दूसरी और तीसरी तस्वीर में आपको नजर आएगा कि टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे भी पहुंचाए गए, अस्पताल भी बना दिया गया। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को यहीं पर कुछ देर के लिए रखा जाएगा। और देखिए दूसरी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये झारखंड से तस्वीरें सामने आई है, जो मजदूर झारखंड के फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए प्रार्थनाएं करते हुए उनके परिवार वाले नजर आए थे, लेकिन अब मिठाई यहाँ पर खिलाई गई है क्योंकि अब शुभ घड़ी जल्दी ही सामने आने वाली है। एनडीएमए की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई ये भी आपको बता रहे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पूरा डायरेक्शन दिया गया, 2 मीटर और आगे जाएंगे तो आर पार हो जाएंगे। देखिए महज 2 मीटर और अगर आगे गए तो आर पार हो जाएंगे, और फिर उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर पूरी की गई है। और ये भी आपको हम लगातार जानकारी दे रहे कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। मजदूरों को बचाने के लिए जो भी रास्ते हैं, काम अभी भी उसके लिए लगातार किया जा रहा है, एनडीएमए के साफ तौर पर से कहना है। और देखिए अस्पताल फिलहाल बनाया गया, रेस्क्यू के बाद मजदूरों को यहीं पर रखा जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त भाटपुणी फोर आपको दिखा रहा है, जैसे मजदूर बाहर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अस्पताल बनाया गया है, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं फिलहाल कर ली गई है। और जिनकी अगर तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उसके बाद उन्हें 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्याली सॉर्ट में ले जाया जाएगा, जहां पर 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। अगर किसी मजदूर की हालत और खराब होती तो फौरन एयरलिफ्ट करने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है।
एम्स ऋषिकेश उनको भेजा जाएगा। इस वक्त दो तस्वीरें आपको दिखाई जिस अस्पताल का हम जिक्र कर रहे हैं, स्ट्रेचर और गद्दे यहाँ पर लगाए गए। दूसरी तस्वीर में हमने आपको दिखाया और पहली तस्वीर देखिए उत्तरकाशी से लाइव इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और टनल में फंसे रांची के श्रमिक के घर वालों ने भी अब मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी है क्योंकि अब बस कुछ ही देर और लगेगी और 400 घंटे रेस्क्यू का काम जो किया गया वो पूरा हो जाएगा। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर भी चिनूक हेलीकॉप्टर्स फिलहाल तैनात किए गए हैं और अगर किसी मजदूर की तबीयत बिगड़ती है तो उसको हेलीकॉप्टर से तुरंत ऋषिकेश एम्स भेजने की व्यवस्था फिलहाल यहां पर कर ली गई है। इससे पहले सिलक्याला साइट से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे हुए रैट माइनर्स की अगर हम बात करें तो हादसे के 17वें दिन दोपहर 1:20 पर खुदाई पूरी करते हुए पाइप से बाहर वो आ गए। रैट माइनर्स ने देखिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ड्रिलिंग उनकी तरफ से की गई। करीब 21 घंटे में 12 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग रैट माइनर्स की तरफ से की गई है। 24 नवंबर को मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले आगे मशीन टूट गई थी जिसकी वजह से रैट माइनर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए। ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से लाइव तस्वीर और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और दूसरी तस्वीर भी आपको फिलहाल अंदर से हम दिखा रहे हैं जहां पर अभी स्ट्रेचर बेड्स लगा दिए गए हैं और व्यवस्था यहां पर पूरी है। ऋषिकेश एम्स में ये तैयारियां पूरी है। ये दूसरी तस्वीर जो आपको नजर आ रही है ऋषिकेश एम्स की तस्वीर, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि अगर किसी मजदूर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और एयरलिफ्ट करने के बाद उनको एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा। और यहां पर देखिए परिजनों की तस्वीर भी अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहां पर आप देख सकते कि परिवार वालों के चेहरों पर संतोष है, राहत है कि बस अब कुछ ही देर और लगेगी और जो इतने दिनों से उनके परिवार के लोग फंसे हुए थे वो बाहर आ जाएंगे। और इसी बाबत देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही है। अक्षय राय इस वक्त हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं। अक्षय, लगातार आपने देखा है कि आप ग्राउंड पर जुड़े रहे, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाई और अक्षय का एक बार फिर से रुक करते हैं। अक्षय, आप ये बताइए अब और कितना वक्त लगेगा और इस वक्त कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? और देखिए उसी का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं और इस देश की जनता भी कर रही है। यहाँ स्थानीय लोग हैं वो भी उसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो सभी मजदूर यहाँ पर आए। ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में एक बड़े वीआईपी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिलहाल स्थानीय स्तर के अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों टनल के अंदर मौजूद हैं। परिजन जो हैं टनल के बाहर मौजूद हैं और तस्वीरें मैं कैमरामैन सोहन से कहूँगा कि वो कुछ तस्वीरें दिखाएँ। आप देख सकते हैं टनल के अंदर गहमागहमी बहुत ज़्यादा है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मजदूरों को जो निकालने की प्रक्रिया है वो अंतिम क्षण तक पहुंच सकती है। वहां पर अस्पताल भी टनल के अंदर बना दिया गया है तो मूवमेंट लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि बगल में तमाम जो एम्बुलेंस हैं वो भी यहां पर तैनाती की गई है ताकि अगर मजदूर वहां से निकलते हैं तो इन मजदूरों को जल्द से जल्द चिन्यालीसौड़ और अन्य जगहों पर जो उत्तरकाशी का जो जिला अस्पताल है वहाँ पर पहुँचाया जा सके। कहा जा सकता है कि तैयारियाँ अपने अंतिम क्षणों में हैं और मजदूरों के परिजन जो है वो टनल के बाहर उनको अंदर कर लिया गया है, बैरिकेड एक लगाया गया है उसके अंदर कर दिया गया है, यानी कि तैयारियां लगभग पूरी हैं लेकिन अब उसी क्षण का इंतजार कर रहा है सभी मजदूर। और एनडीएमए कह रहा है कि 2 मीटर और आगे जाएंगे तो आर पार हो जाएंगे। जी एक बार सवाल फिर से पूछिएगा अक्षय। एनडीएमए की टिप्पणी मैं बता रही हूँ कि एनडीएमए कह रहा है कि 2 मीटर अगर और आगे जाएंगे तो आर पार हो जाएंगे, यानी कि शुभ घड़ी जल्दी आने वाली और मंगल का दिन मंगलकारी साबित होने वाला है। देखिए वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, उस प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है, एनडीआरएफ एसडीआरएम की टीमें अंदर पहुंच चुकी हैं। बस वक्त का इंतज़ार, उस वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब पुष्कर सिंह धामी के साथ पहली तस्वीर सामने उनके जो मजदूर फंसे हुए हैं 17 दिनों से 41 मजदूर उनका उनकी तस्वीर सामने आ सकती है। तो सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, उस वक्त का इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं कि जब 41 मजदूर उस छोटे से पाइप के जरिए टनल के अंदर दाखिल होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब जो ऑपरेशन है वो अंतिम क्षणों में है लेकिन क्योंकि 2 से 3 मिनट 3 से 5 मिनट भी कोई कह रहा है कि समय लग रहा है उनको निकालने में, उस प्रक्रिया में कुछ समय ज़रूर
लग सकता है, लेकिन यहाँ पर तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं। ये माना जा रहा है कि जल्द ही वो क्षण आएगा जब सभी मजदूर अपने परिजनों के साथ होंगे, और इसीलिए प्रशासन ने तमाम यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। अलर्ट लगातार जारी है, जो एम्बुलेंसेस के जो ड्राइवर हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है, मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखा गया है, टनल के अंदर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे तमाम एजेंसियों के प्रमुख वहाँ पर मौजूद हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा वीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पर संभव है। देखना दिलचस्प होगा कि वो कब तक ऐसा हो पाता है, लेकिन तस्वीरें सुखद बताई जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन अंतिम क्षणों में है। इस वक्त कुछ तस्वीरें वो भी हम दिखा रहे हैं जो ना सिर्फ उत्तरकाशी या उत्तराखंड से जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद है वहां से, बल्कि झारखंड से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर जो परिवार वाले वो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर चुके हैं, उनके चेहरे पर एक संतोष है, एक राहत है और वो खुश नजर आ रहे हैं कि बस शुभ घड़ी जल्दी आने वाली है। देखिए बिल्कुल आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो बेहतर तरीके से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि तस्वीरें ही सब कुछ बोलती हैं। और आप देख सकते हैं कि बाबा भोखनाथ जो यहाँ के स्थानीय देवता हैं अभी भी उनकी पूजा अर्चना लगातार जारी है। इसके अलावा ऊपरी सतह पर भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की दूसरी टीम भी यहाँ पर तैनाती की गई है। इसके अलावा टनल के अंदर भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान पहुँच चुके हैं, उनको निकालने की कवायद की जा रही है। परिजन अभी भी इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब उनके 41 परिजन जल्द से जल्द टनल से निकलें और इस एम्बुलेंस के जरिए, जो एम्बुलेंस यहां पर दिखाई दे रही है उन्हीं के जरिए चिन्याली सौर जो कमांड अस्पताल बनाया गया है, इसके अलावा जो जिला अस्पताल है वहां पर भेजा जाएगा। तो तस्वीरें अब निश्चित रूप से सुखद संकेत दे रही हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा उस वक्त का जब सभी मजदूर इस टनल से बाहर निकलेंगे। 17वां दिन और आज ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट किया जा सकता है, उसी पर सभी की नजरें टिकी हुई है, चाहे मुझे उम्मीद है कि मजदूर बच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में थे, दूसरी जगह के भी थे, जान बचना ठीक बात है, उसके प्रयास के लिए जिन जिन ने प्रयास किया, जिन एजेंसियों ने काम किया उनको धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़े चिंता का सवाल यह है कि लगातार उत्तराखंड से इस तरह की खबरें आती हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो जो एनजीओज और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सवाल खड़ा करते हैं। मुझे तो आप फिलहाल अखिलेश यादव को सुन रहे थे और लगातार इस वक्त हमारे साथ अक्षय राय भी ग्राउंड पर मौजूद है। अक्षय लौटते हैं आपके पास, लगातार देखिए इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, अब आपने सुना कि अखिलेश यादव सवाल खड़े करें कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स की वजह से उत्तराखंड से बार बार ऐसी खबरें सामने आती है, सवाल लाजमी है भी वैसे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। मैडम थोड़ा सा साइड, अक्षय की आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मेहमान आवाज आ रही है। अक्षय, अखिलेश यादव की टिप्पणी को आप सुन रहे होंगे, अभी अभी उन्होंने ये सवाल पूछा है कि उत्तराखंड से बार बार ऐसे प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड से ऐसी खबरें सामने आती है। हालांकि अखिलेश यादव का सवाल तो लाजमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मुद्दे को लेकर अब राजनीति भी हो रही है, जो कि सही बात नहीं है। देखिए ऐसे वक्त में राजनीतिक बयान देने से बचना चाहिए राजनेताओं को, क्योंकि 41 जिंदगियां निश्चित रूप से फंसी हुई हैं, उनको निकालने की कवायद लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम क्षणों में है, तो ये कहना कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पे आते हैं ये तो सवाल तो लाजमी है, लेकिन वक्त शायद अखिलेश यादव ने गलत चुना है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उत्तराखंड में, क्योंकि आप भी गई थी, आपने देखा होगा जोशीमठ में जिस तरह से आपदा आई थी, जिस तरह से किया गया है, उनकी टीम्स थीं, कुछ आर्मी की टीम्स थीं, कुछ NHDICL के खुद के लोग थे, ये सब की जॉइंट एफर्ट मिलाकर ये मैनुअल एफर्ट रात भर चली है, दिन में आज सुबह चली है और काफ़ी आगे पहुंची है, तकरीबन 58 मीटर तक, जहां पर फिर रिपोर्ट वहां से मिल रही है उस तरफ से कि आवाज़ें आ रही हैं, खोदने की ड्रिलिंग की कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो अंदेशा है कि कुछ देर में शायद
थ्रू एंड थ्रू ब्रेक थ्रू जो है वो जिसको हम चाह रहे हैं वो हो जाए। मगर मैं आपको ये भी बता दूं, एक चेतावनी दे दूं कि इट डज़ नॉट मीन कि इमीडिएटली अगले मिनट के अंदर इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा थोड़ा, अंदर लोगों को जो भेजा जाएगा वो जाकर वहाँ पर उनको टिप्पणी देंगे, एडवाइजरी कर देंगे, जिस तरह से काम आना है बाहर प्रायोरिटाइजेशन हो चुका है। एस्टिमेट है कि हर एक इंडिविजुअल को बाहर लाने के लिए तकरीबन 3 से 5 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि इक्विपमेंट और पाइपलाइन का की स्थिति क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा वेयर एंड टेयर ज़रूर होगा उस पर, उसके मुताबिक दे में भी दम इंटरवल्स, तो ये मेरे ख्याल से तो रात भर लग सकती है इसके अंदर इस ऑपरेशन में। मगर पूरी तैयारियां बाहर जो हैं मेडिकल लॉजिस्टिक्स वो सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सर और क्या क्या सावधानी, 45 लोगों को निकाला जाएगा तो उसके साथ ही क्या मेजरमेंट अपनाए जाएगा? देखिए बहुत ज़रूरी है समझना कि ये किसी एक एजेंसी का काम नहीं हुआ है, ये पूरी भारत सरकार मिलकर, पूरी भारत सरकार की हर एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर साथ में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके हर किस्म के लोग, टैलेंट वाले लोग इसके अंदर जुटे हैं। और अब आखिरी काम जो है, अगर हमें ये 2 मीटर का जो रह गया है ब्रेक थ्रू होना, अगर ये सक्सेसफुल हो गया जो उम्मीद करते हैं, तो उसके बाद बहुत सी एजेंसीज अब पोस्ट ऑपरेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगी, ख़ास तौर पर उसमें मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे। एयरफोर्स भी तैयार है उनको इवैक्यूएट करने के लिए, ये 41 वर्कर्स को ऋषिकेश, अल्टीमेटली ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा, जहां पर तकरीबन 48 से 72 घंटे ये रहेंगे और इनका पूरा मेडिकल चेकअप ठीक तरह से होगा। अभी कोई रीसेंट नया अपडेट मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, जब तक अंटिल द फाइनल पिक्चर इज क्लियर। वी आर at 58 meters and the sounds are being heard on the other side, of sounds of drilling and digging are being heard. It's a extremely difficult, very sensitive part of this operation, the last mile as such to say, where the so-called rat miners, who are very very talented people who are putting their lives online at risk, who have gone in with along with other functionaries from the army and the NDRF and the NHDILC and things like that, all of them are doing a fantastic job, and it's through their efforts that 10 meters has been achieved in the last less than 24 hours. So we can only now just pray for the last final success, which I hope is shortly going to come our way. सैयद अता हसनैन एनडीएमए सदस्य को आप फिलहाल सुन रहे थे और उनकी तरफ से बात कही गई है कि पहले टीम अंदर जाएगी, गाइडलाइन देगी और उसके बाद एक एक करके सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। प्राथमिकता रहेगी जिनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है या जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है उनको फिलहाल बाहर निकाला जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात वो कहते हुए नजर आए कि एक मजदूर को निकालने में 3 से 5 मिनट का समय लगने वाला है। लगातार अक्षय राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अक्षय, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ऑपरेशन की टीम जैसे ही अंदर जाएगी, सबसे पहले टीम अंदर जाएगी, उसके बाद वो गाइडलाइन देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आपको बाहर आना है। और वो ये बात कह रहे हैं कि एक मजदूर को निकालने में मिनिमम 3 से 5 मिनट लगने वाले हैं। हाँ, क्योंकि देखिए 57 से 58 मीटर का पूरा वो डिस्टेंस है, उसको कवर करना है, उसके बाद कवर करने के बाद मज़दूरों तक पहुंचना है, मज़दूरों तक पहुंचने के बाद उनको समझाना है, क्योंकि टीम कहा जा रहा है कि पहुंच चुकी है, उसको समझाने प्रयास जारी है और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द मज़दूरों को रेस्क्यू करने में सफलता मिल जाएगी। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी पिछले 1.5 घंटे से अंदर हैं, 1.5 से 2 घंटे हो गए उनको अंदर गए हुए, तो ये माना जा रहा है कि मज़दूरों का रेस्क्यू शुरू किया जा चुका है। अता हुसैन जो बता रहे थे वो 4 बजे के आसपास की घटना है, अभी तक लगभग 5:15 होने वाले हैं, तो ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम क्षणों में है। कभी भी ये तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती है कि मज़दूरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और महिमा साफ तौर पर है कि इसी वक्त का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, पिछले 17 दिन से जो एजेंसियाँ लगी हुई हैं उनके प्रमुख हैं, उनके जो वर्कर्स हैं वो भी उम्मीद कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जो ही ये सफलता मिलेगी
मजदूरों के परिजनों को इसीलिए बुला लिया गया है। 2 घंटे पहले सभी मजदूरों को यहाँ पर बुला लिया गया था, मजदूरों के परिजनों को बुला लिया गया था। तो ये माना जा रहा है कि वक्त बहुत नज़दीक है, बस उस घड़ी का इंतजार है जब पहली तस्वीरें निकल के मजदूरों की आएगी। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहाँ पर केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह भी मौजूद हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, एजेंसियों के प्रमुख वहाँ पर मौजूद हैं और वर्कर्स रेस्क्यू टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, मेडिकल की टीम लगी हुई है, मंगलकारी घड़ी आने वाली है। और अक्षय आप खुद तब से ग्राउंड पर मौजूद है और हर जानकारी आपने भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचाई है, जब वहां पर मजदूर फंसे हुए थे, जब वहां पर मशीनें पहुंची, जब चीजें खराब हुई, ये भी आपने जानकारी पहुंचाई। लेकिन आज उनके बारे में भी जिक्र करना काफी महत्वपूर्ण है, रैट माइनर्स जिन्होंने महज 21 घंटों में 12 मीटर की ड्रिलिंग की थी। बिल्कुल, उम्मीदें बहुत कम थी कि इतनी तेज़ी से काम हो सकेगा, क्योंकि उम्मीदें जताई जा रही थी कि अगर रास्ते में गार्डर सरिया आए तो किस तरह से काटा जाएगा। लेकिन तारीफ़ करनी होगी उन रेट माइनर्स की, क्योंकि एनजीटी ने उसको बैन कर दिया था लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, 12 लोगों की टीम थी, 7 एक ग्रुप में 5 एक ग्रुप में, और 12 लोगों ने जिस तरह से काम किया है, कह सकते हैं कि उससे बड़ा काम कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो अगर मशीन्स लगातार धोखा देती रही, अगर मशीन से काम नहीं हो पाया, तभी फैसला लिया गया कि मैनुअली हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग है वो की जाएगी और उसमें आखिरकार सफलता मिली। तो कहा जा सकता है कि रेट माइनर्स जो टेक्निक रही है, जो रेट माइनर्स रहे हैं, उनकी तारीफ के लिए शब्द कम हैं और उनकी वजह से एक बड़ा ऑपरेशंस कंप्लीट होने जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे, हालांकि सभी एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन रेट माइनर्स ने जिस तरह रेट माइनर्स जाबाजों को सच में ही सलाम है, क्योंकि इनकी तकनीक बहुत खतरनाक थी। अक्षय, मैंने सुना है कि 2 मजदूर अंदर गए, खुदाई कर रहे थे, 4 उनमें से बाहर थे, जब मलबा था वो बाहर फेंक रहे थे और बाकी लोग बाहर, और उनमें से जो 2 मजदूर अंदर फंसे हुए थे, जब 2 मजदूर अंदर ड्रिलिंग कर रहे थे, जब वो थक जा रहे थे तो बाकी के 2 अंदर जा रहे थे और 4-4 करके लोग बाहर रह रहे थे। देखिए, 2-2 घंटे का समय लगभग सभी के पास था और 2 घंटे के अंदर, क्योंकि गैस जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर थे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर को ही लेकर के जाना था और साफ तौर पर है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए थी उनके पास और इसीलिए वो कठिन ऑपरेशन उनके लिए था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कामयाबी के साथ इस मिशन को अंजाम दिया है, सैल्यूट टू देम, और सभी एजेंसियों को सैल्यूट करना होगा। लेकिन तारीफ तो करनी होगी कि जो भी यहाँ पर शख्स लगा, अगर मशीन्स के जो पुशिंग एक्सपर्ट थे, हमने कहा कि किस तरह से आपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, कहा कि अगर मशीन टूट गई थी काम नहीं हो रहा था, लेकिन पुशिंग में जिस तरह से उन्होंने महारत दिखाई वो भी तारीफ करनी होगी कि पाइप को, एक भारी भरकम पाइप को, 32 इंच के पाइप को पुश करना भी बहुत बड़ी टेक्निक का काम है और साफ तौर पर है कि वो पुशिंग का काम हुआ, ब्रेक थ्रू मिला और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जल्द ही वो मजदूर सभी के सामने होंगे, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही वो घड़ी आए। मजदूरों के परिजन यहाँ पर लगातार वेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी इंतजार उस वक्त का कर रहे हैं। मौसम में अब सर्द क्योंकि बढ़ने लगी है, पहाड़ों की स्थिति आप जानते ही हैं कि जो ही शाम के 4-5 बजे का समय होता है मौसम में ठंड आने लगती है, वो शुरुआत हो चुकी है, अंधेरा अब छाने लगा है। ऐसे में अब ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद होगी, लेकिन क्योंकि 3 से 5 मिनट का समय बताया जा रहा है कि एक मजदूर को वहां से निकालने में लग रहा है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो जरूर समय टाइम टेकिंग है। लेकिन फिलहाल पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जनरल वी के सिंह भी मौजूद हैं, तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और एम्बुलेंसेस का जो सिलसिला है यहाँ पर है, लगातार कतार लगी हुई आपको एम्बुलेंसेस दिख सकती हैं, सभी जो मेडिकल टीम है वो अलर्ट पर हैं। उसी घड़ी का इंतजार है महिमा की, कब यहाँ से मजदूरों को निकाला जाता है, रेस्क्यू किया जाता है और फिर उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है, उसी घड़ी का हम भी इंतजार कर रहे हैं, उसे पूरा देश ही इंतजार कर रहा है, पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। और देखिए अक्षय, आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स के लिए, और फिर आपके आसपास जो लोग इस वक्त स्थानीय लोग मौजूद हैं, मैं चाहती हूं आप उनसे भी इस ऑपरेशन को लेकर बात करें, लौटेंगे आपके पास। और देखिए लगातार पल पल की अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है और तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई।